आज की प्रोटीन रिच डिश देखने के बाद आपको पाउडर प्रोटीन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ हेल्दी और न्यूट्रिशियस डिश मैं उनके साथ शेयर करूं। तो आज मैं लेके आई हूँ एक सुपर हेल्दी सैलेड जो कि है प्रोटीन सैलेड। बिना टाइम वेस्ट करे चलो इसको बनाते हैं। तो प्रोटीन सैलेड के लिए एक बाउल में लेंगे बॉइल्ड चने। इसको मैंने 7 से 8 घंटे सोक करके बॉइल कर लिया है। दीज आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन। सैलेड बनाने के लिए इनको एक बाउल में डाल लेंगे। इनको हमें उतना ही बॉइल करना है कि इनकी ऊपर की लेयर ना निकले, ये थोड़े खिले खिले दिखे। तो मैंने लगभग 2 कप चने लिए हैं। अब हम डाल रहे हैं अनदर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, पनीर। जैसे कि हम सबको पता है पनीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। उसके बाद डालेंगे 1 कप चॉप टमाटोज। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। फिर हम डालेंगे अपने सैलेड के अंदर चॉप्ड अनियंस। उसके बाद बिना छिले नाइसली कट एंड डाइस्ड क्यूकम्बर, विच इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। अब हम डालेंगे रोस्टेड पीनट्स, अगेन विच गिव्स अस हाई प्रोटीन एंड हेल्दी फैट। उसके बाद डालेंगे स्प्राउट्स। ये अंकुरित मूंग दाल मैंने मार्केट से ली है। आप इसको बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। दाल को एक रात भिगो के दिन भर सूती कपड़े में लपेट कर रखें। आपकी दाल अंकुरित हो जाएगी। अंकुरित होने से इसकी प्रोटीन की मात्रा और बढ़ जाती है। लास्टली डालेंगे इसमें फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ता। प्रोटीन सैलेड की हमारी सभी हाई ऑन प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स डल गए हैं। इस सैलेड में डलने वाली एक एक चीज हमारे लिए बहुत हेल्दी है। अब बनाएंगे हम इसके लिए सीजनिंग। उसके लिए एक बाउल में लेंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। ये ऑयल डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। ये सैलेड को थोड़ा ग्लॉसी लुक देता है एंड नो डाउट इट इज अ वेरी गुड ऑयल एज इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स विच आर वेरी गुड फॉर अस। उसके बाद लेंगे 1 चम्मच लेमन जूस, अगेन अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी टू गिव इट अ लिटिल टैंगी टेस्ट। उसके बाद लेंगे हम 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च टेस्ट के लिए एंड हाँ, ब्लैक पेपर इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन। अपनी सीजनिंग को अब हम अच्छे से मिला लेंगे। इससे हमारा सैलेड बहुत ही चटपटा और पेपरी बनेगा। इसको अब हम अपने बड़े वाले बाउल में फैलाकर पोर कर लेंगे। और ऊपर से डालेंगे फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली। यहाँ पर मैंने 2 छोटी-छोटी हरी मिर्च ली हैं। अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी सीजनिंग के फ्लेवर हमारे सैलेड में अच्छे से मिक्स हो जाएं। एक चीज का ध्यान रखें कि हमें सभी वेजिटेबल्स लगभग चने के साइज के कट करने हैं। So that when you get a bite, you get a little bit of everything. और छोले के साथ साथ इसमें आप sprouted काले चने भी डाल सकते हैं। And अगर थोड़ा continental taste देना है, तो Italian seasoning भी डाल सकते हैं। तो लो हमारा protein salad बनके तैयार है। Feel free to add whatever you like, जैसे कि dry fruits, fruits, pomegranate, जो भी सब्जी या fruit आप पसंद करते हैं, आप इस salad के अंदर डाल सकते हैं। हमारा high on protein salad बनके तैयार है। चलो इसको taste करते हैं कि ये बना कैसा। जब भी आप सैलेड का नाम सुनते होगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि कुछ फीका या फिर टेस्टलेस होगा, पर इस सैलेड के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके अंदर डाला है अमचूर, लेमन और सॉल्ट जो कि इसको खूब चटपटा टेस्ट दे देता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और जब आप इसको बनाएं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल आशिमास किचन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी सभी न्यू वीडियोस की अपलोड आपके पास उसी वक्त पहुंच जाए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।